तो अगर कोई कानून लाखों गरीबों को जेल में ठूस दे, तो अगर कोई कानून एक छोटी सी गलती के लिए 5 से 10 वर्ष की सजा और 1 लाख का जुर्माना लगा दे, तो अगर कोई कानून गलती एक करे दंड सबको मिले, तो मैं बात कर रहा हूं बिहार के शराबबंदी कानून की। ये कानून बिहार में काला कानून बन चुका है। ऐसी तबाही मचाई है इस कानून ने कि आप हैरान रह जाएंगे जब मैं आपको आंकड़े दूंगा। हर 10 मिनट में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हो रही है शराबबंदी कानून में, और डेली 172 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया जा रहा है जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। डेली 172। बीते 21 महीनों में 1,21,000 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है इस कानून का उल्लंघन करने में। 1.25 लाख लोगों को पिछले 21 महीने में ही गिरफ्तार कर लिया गया है। आप सोचिए कि क्या हालत है बिहार की। अगर कोई कानून गरीबों पे कोहराम मचा दे, तबाही ला दे, उनको परेशान कर दे, 1.25 लाख लोगों को जेल में ठूस दिया जाए, तो कानून की समीक्षा होनी चाहिए। पेंटर माझी और मस्तान माझी, ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको शराबबंदी कानून में सजा सुनाई गई है। जरा सोच के देखिए कि शराब पीने के जुर्म में इनको 5 से 10 वर्ष की सजा दे दी गई और 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगा दिया गया। कौन है ये दोनों? नाम से ही स्पष्ट है, महादली समाज से है।